नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शहरी। आमिर खान की नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। साल की सबसे चर्चित फिल्मों में गिनी जा रही थी इस फिल्म को, इसीलिए टिकट खिड़की से भी ज्यादा उम्मीदें थी। वहीं अगर बात करें आमिर खान की इस फिल्म की कमाई की, तो आमिर खान की स्टार फिल्म को खराब ओपनिंग मिली है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लाल सिंह चड्ढा ने पहले दिन लगभग 11 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म को अधिकतर पॉजिटिव रिव्यू तो मिले हैं, मगर इसका फायदा बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिला। हालांकि आमिर खान की पिछली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने ओपनिंग डे में कलेक्शन 52 करोड़ रुपए किया था, मगर वो उनके कैरियर की सबसे फ्लॉप फिल्म साबित हुई। इसीलिए लाल सिंह चड्ढा से इतनी कमजोर शुरुआत की उम्मीद नहीं थी। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कितनी आगे जाती है और कितनी कमाई करती है। अक्षय कुमार के बच्चन पांडे फरहाद सामजी डायरेक्टेड इस फिल्म ने पहले दिन 13.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। तीसरे नंबर पर आई लाल सिंह चड्ढा जिसने 10.75 करोड़ रुपए कमाए। अक्षय के सम्राट पृथ्वीराज ने 10.70 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। इनमें से सिर्फ भूल भुलैया सफल रही है। लाल सिंह चड्ढा के भविष्य पर फैसला आना भी बाकी है। लाल सिंह चड्ढा की कमाई को दो वजहों से भारी नुकसान होता बताया जा रहा है। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन ठीक उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन आमिर खान की फिल्म। अगर ये कलेश ना होता तो आमिर की फिल्म 15 करोड़ से ऊपर की कमाई आराम से कर जाती। दूसरी वजह है बॉयकॉट कल्चर। लंबे समय से लाल सिंह चड्ढा को बहिष्कृत करने की मांग चल रही थी। फिल्म की रिलीज के दौरान ये मांग और तेज हो गई। जो भी लोग फिल्म के बारे में पॉजिटिव बात कर रहे हैं उनके कमेंट बॉक्स में गालियों की बौछारें पाई जा रही हैं। फिल्म की कमाई पर इस चीज़ का भी बड़ा असर पड़ रहा है। लाल सिंह चड्ढा ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की ऑफिशियल रीमेक है। अतुल कुलकर्णी ने इस फिल्म को हिंदी में डायरेक्ट किया है। सीक्रेट सुपरस्टार फेम अद्वैत चंदन ने। लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान, करीना कपूर खान, नागा चैतन्य, मोना सिंह, मानव विज जैसे एक्टर्स ने मुख्य किरदार निभाए हैं। फिल्म में शाहरुख खान गेस्ट अपीयरेंस में नजर आ रहे हैं।